कि हम लोग वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है या कुछ और कारण है, क्या हम सोशल मीडिया से उग गए हैं, क्या हम यूट्यूब छोड़ने वाले हैं। तो अगर आपके ऐसे कुछ सवाल हैं, जो कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ सवाल देखे हैं जो हमारे इनबॉक्स में आ रहे थे, कुछ कमेंट बॉक्स में भी आ रहे थे, कुछ लोग ईमेल भी कर रहे थे, तो सोचा कि चलिए एक वीडियो बना करके जवाब दे देते हैं और बड़ी ईमानदारी से बात करेंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पर बना है मुर्गी का लाइव, तो जिया यहाँ पर देख रहे होंगे। अच्छा, अब पोज नहीं मारना है? पहले तो पोज मारने के लिए आई थी। अच्छा। ये शक्कर को खदका रही थी। हमको आता है ना। अच्छा। अब बना के दिखाई थी कि नहीं एक बार? दीदी कैसा खाना बनाए थे? बिल्कुल। और ये जी हमारा बन गया चूड़ा का लाई, चूड़ा का लाई, मुर्गी का लाई और तिल का लाई। कुछ देर पहले अपना काम करके उठे, सोकर उठे और वहीं से अपना दो तीन घंटा बेड पर अपना काम फिनिश करके फिर उठे और उसके बाद जो है देख रहे होंगे एकदम पूरा पैक है एकदम। बात है कि ठंड है जबरदस्त। यहाँ पर देखिए दिया को क्या कर रही है, ये भी देख रहे हैं पूरा पैक है। और यहाँ पर जो है व्यंजन जो है जल रहा है। नौ बज चुका है, खाना कब देगी हमको? सुबह सुबह कौन खाता है? नाश्ता दो ना तुम। तो लाई सब क्या सुबह बढ़ाने के लिए बनाई है? जाइए ना स्टोर रूम में रखा हुआ, भरा हुआ। लाई दो हमको, मुर्गी का लाई, चूड़ा का लाई, तिल का लाई, गजक सब मेरे पेट में चाहिए हमको। ये देख सकते हैं आप, तीन तीन डब्बे हैं लाई के। तो हमारी नाश्ते का इंतजाम जो है अच्छा खासा हो गया है। सुबह और शाम का नाश्ता यही रहेगा। नीचे वाला देना, उजला वाला ज्यादा अच्छा लगता है। गजक कहाँ गया? पहले ये खा लीजिए। गजक तुमको खाना है? पहले ये खा लीजिए फिर देंगे आपको। तुमको क्या लगता है हम छोड़ सकते हैं ये सब चीज? क्या पता, क्योंकि अभी मन भर गया आपका कल से इतना खाया। वैसे जी बोला तो सही है, जिया ने इतना ज्यादा लाई खाया हूँ मकर संक्रांति से लेकर अब तक, पूछिए मत, मन भर गया है। 3 hours later. आधा किलो जैसे साग ले लिए एक दिन में, रोज रोज भी काम है चटकी आने वाले। और हर दिन की तरह मम्मी यहाँ भी शिकायत कर रही है कि पापा दुनिया भर की सब्जी उठा करके ले आते हैं। जैसे आज जो है साग पहले से था घर में, पापा फिर साग उठा करके ले आए। और यहाँ मेरा भाई जो है छोड़ करके आ गया है माँ को। और ये मिल्टन कब ले लिया? ये कल आया है। कल आया? कितना में दिया ये? 1400 रुपया में दिया है। 1800 रुपया दाम है, 1400 में दे देगा तुमको? डिस्काउंट में मिला ना, कैश करो से। अच्छा, कैश बैक ले लिया 1400 रुपया का? वाह, बताया था ना। तो ये जो है क्या किया है, हमारा एक वीडियो था कैश करो ऐप के बारे में, आपने भी देखा होगा, दो वीडियो डाला है हमने उसके ऊपर। तो उसी वीडियो को देख करके ये ऐप डाउनलोड किया, उसी से शॉपिंग किया है और कुछ कैश बैक भी मिल गया इसको। अच्छा तरीका है ये शॉपिंग करने का। तो अगर आपको भी नहीं मालूम कैश करो ऐप के बारे में जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर से आपको बता देते हैं कैश करो ऐप आखिर है क्या। कैश करो ऐप जो है एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। इसमें क्या होता है कि 1500 वेबसाइट जो है जो भी शॉपिंग का है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, एजियो, ये सब इंटीग्रेटेड है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन पर तो एक सेल चल ही रहा होता है। इस तरह का जो भी शॉपिंग का वेबसाइट होता है, क्या होगा कि आपको वहां से थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर क्या करिए, आपकी वहां से डायरेक्टली शॉपिंग नहीं करके आप कैश करो ऐप से शॉपिंग कर लीजिए। तो कैश करो ऐप पर हर शॉपिंग पर आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिल जाता है। तो एक तो आपको वहां से डिस्काउंट मिल जाएगा और एक कैश करो ऐप से जो आपको कुछ कैशबैक मिल जाएगा, तो यहाँ से डिस्काउंट, तो आपको डबल डिस्काउंट हो जाएगा। पिछले कुछ साल से इसको यूज कर रहे हैं और हम कुछ कमाए भी हैं, अच्छा फायदा हो जाता है जी। तो हम आपको एक बार डिटेल से बता देते हैं कि कैश करो ऐप को कैसे यूज करना है। पहले जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है मैंने कैश करो ऐप का, आप वहां से कैश करो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको 25 रुपया का कैशबैक मिल जाएगा इंस्टेंटली सीधे। फिर उसके बाद आप जो है कैश करो ऐप पर अकाउंट बनाइए और अकाउंट बनाने के बाद कैश करो ऐप को खोलिए और वहां पर आपको ढेर सारा शॉपिंग का वेबसाइट मिल जाएगा, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम अमेजोन सेलेक्ट करते हैं, तो हम अमेजोन सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद जो ऑरेंज बटन है उसको हम टैप किए, फिर अमेजोन खुल गया। फिर अमेजोन में जिस तरह से आप शॉपिंग करते हैं उस तरह से शॉपिंग कर लीजिए। तो जैसे ही आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा, आप क्या करिए, कैश करो ऐप का जो है माई अर्निंग सेक्शन में जाइए और माई अर्निंग सेक्शन में जा करके आप देख लीजिए कि आपको कितना कैशबैक मिला है। कैशबैक जो है आप
या तो अमेजोन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं और या नहीं तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि यह एक रियल कैशबैक है। तो है ना जी कितना सिंपल कैश करो ऐप को यूज करना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाइए, डाउनलोड करिए और शॉपिंग करिए और कैशबैक कमाइए। देखिए क्या बन रहा है, क्या बन रहा है दीदी? बंधा गोभी का कचरी। बंधा गोभी का कचरी मेरी माँ बनाती थी। अच्छा, मैं अपनी माँ से सीखी इसलिए मैं भी चाहती कि मेरे बच्चे भी मुझसे सीखे। बंधा गोभी को महीन से उसको काट दीजिए, प्याज काट दीजिए, हरा मिर्ची काट दीजिए, बेसन बेसन और नमक हल्दी डाल के उसको गोल गोल बना के छान लीजिए, उसके बाद दही और बेसन के साथ उसमें कढ़ी झोर लगा दीजिए। चलिए ये तो शॉर्ट में बताया, बाकी आगे आपको डिटेल में दिखाते हैं। तो इसमें क्या क्या है अभी? बेसन बेसन नमक हल्दी प्याज हरा मिर्ची बंधा गोभी का कटा हुआ और यहाँ पे माँ डाल रही है हल्दी, जितना हल्दी लगेगा उतना हम डाल देंगे और इसको अच्छे तरह से मिलाएंगे, इसमें पानी नहीं डाला जाता है। और यहाँ माँ कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई को गर्म होने के बाद उसमें तेल डाल दी। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो पकौड़ी जैसे तला जाता है वैसे पकौड़ी तलेंगे और पकौड़ी तलने के बाद यहाँ देख सकते हैं मेरा बहुत अच्छे से पकौड़ी तल गया है। कचरी बनकर तैयार हो चुका है और अब जो है कढ़ी बनाने की तैयारी चल रही है। तो कढ़ी के लिए माँ सबसे पहले ले रही है थोड़ा सा दही। जिया के घर से दही आया है भरपूर मात्रा में तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दही को जो है मिक्स कर रही है जिया और उधर वो कचरी चुरा चुरा के खाए जा रहे हैं। जी हाँ, इतना टेस्टी कचरी लग रहा है तो थोड़ा सा हम भी ले रहे हैं। अच्छा, अब ये उधर रख दी है क्योंकि उसको कचरी पर अब खतरा नजर आ रहा है क्योंकि हमें लग रहा है कि इसका ग्रेवी बनाते बनाते कचरी ही खत्म हो जाएगा। और जी हम यहाँ पे पहले से ही पानी और बेसन का घोल बना करके रखे थे और इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमने डाल दिया कढ़ाई में सरसों तेल, जीरा, सूखी लाल मिर्च और तेजपत्ता। ये सब जब हमारा अच्छे से पक जाएगा तो फिर हमने उधर जो घोल बना कर रखा है दही बेसन हल्दी सबका सबको हम डाल देंगे। और यहाँ पे हमें लगा कि थोड़ा सा और पानी डालना चाहिए तो हम थोड़ा सा और पानी डाल रहे हैं। वैसे आपको जैसा ग्रेवी पसंद है वैसा बना सकते हो। फिर जी कुछ देर के बाद हमारे कढ़ी में उबाल आ गया है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है हमारा कढ़ी। और फिर अब बारी आई है पकौड़ी डालने की। वह एक दलदल है जिसमें फंस जा रहा है, वह देखो फंस गया, बचाओ वो काफी अंदर से बचाओ बचाओ कहां फंस गया हूं मैं। जैसे इसमें एक उबाल आएगा और मेरा कढ़ी बनके तैयार हो जाएगा और पकौड़ी सब कुछ। जब भी मेरे घर में कचरी बनता है तो शाश्वत मेरा बेटा अच्छा और मेरे हस्बैंड ये दोनों आदमी को अपार खुशी हो जाती है। ठीक है जी, तो आपने देख लिया किस तरह से माँ बंधा गोभी का कचरी बनाती है और साथ में करी भी रहता है उसमें। और अब चलते हैं बाहर, माँ का कुछ काम। तो जी यहाँ ले लिया हमने प्रिंट, माँ का कुछ डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना होता है और माँ साइन करके भेजती है व्हाट्सएप पर, ये चलता रहता है। A few moments later. ये देख सकते हैं दो सूरती मूर्ति दोनों काम में लगे हुए हैं। हाँ जी, और आज जो है नारंगी का जूस बनाने की तैयारी है। तो जितना नारंगी है आज घर में सबका अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि जब से यहाँ पर मकर संक्रांति आया है और जब से यहाँ पर लाए तिलवा तिलकुट ये सब आया हुआ है तो इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो ये एकदम फुला फुला था। आप देखिए कितना सुटक गया है, ये सुटक गया है गया है सुटक गया है जो भी है समझदार के लिए सारा काफी है। उसको ठंडा लग गया है, ठंडा लग गया है। फिर जी हमारा जूस बन करके तैयार हो गया। Nice. क्या बात है वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो आपने वीडियो का टाइटल देखा कि हम लोग वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है या कुछ और कारण है, क्या हम सोशल मीडिया से उब गए हैं, क्या हम YouTube छोड़ने वाले हैं। तो अगर आपके ऐसे कुछ सवाल हैं, जो कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ सवाल देखे हैं जो हमारे इनबॉक्स में आ रहे थे, कुछ कमेंट बॉक्स में भी आ रहे थे, कुछ लोग ईमेल भी कर रहे थे, तो सोचा कि चलिए एक वीडियो बना करके जवाब दे देते हैं और बड़ी ईमानदारी से बात करेंगे। बात यह है कि हम लोग जो है आप सभी को अपने बिहार का रीति रिवाज दिखा रहे थे, अपना एक कल्चर दिखा रहे थे, हमारे साइड में जो भी पर्व होता है त्योहार होता है वो सब कुछ दिखाया आपको।
उसके बाद हमें लग रहा है कि अब क्या दिखाएं हम आपको, बिहार की शादी, बिहार का पर्व, सब कुछ तो दिखा दिया। तो थोड़ा सा जो है आइडिया ब्लॉक भी होने लग गया है कि और क्या लाए, कि आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो जाएंगे अगर हम एक डेली लाइफ चलाते रहे तो। भले आप में से कई लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर जी आप जो डेली लाइफ डालती रहिए, हम लोग आपका एक जीवन शैली देखना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल देखना चाहते हैं, आप लोग को हमें देखना अच्छा लगता है। तो ये बात तो सही है जी, लेकिन फिर भी डर लगता है जी कि बस बोर ना हो जाए वो। हम बोर कभी नहीं करना चाहते हैं किसी को, कि जो अपने जिंदगी का एक कीमती समय निकाल करके हमें देख रहे हैं और उन्हें कुछ बोरिंग जैसा चीज दिखाए हम जी। अगर आपके पास में कुछ अच्छा आइडिया है, अगर आपके पास में कुछ नया टॉपिक है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे और हमें अच्छा लगेगा तो जरूर वीडियो बनेगा जी उसके ऊपर। तो सीधी सी बात है जी, शॉर्ट में रखते हैं, हम ज्यादा लंबा नहीं खींचते, लड़ाई नहीं होगी तो इसी वजह से हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम प्रॉपर कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहें। आप लोग भी थोड़ा आइडिया सजेस्ट करते रहिए। और अब चलते हैं हम लोग, अमेजोन का सेल चल रहा है आज से, रिपब्लिक डे सेल, तो कुछ सामान भी लेना है हम लोग। और इनको बहाना चाहिए बस, सेल चल रहा है, इनको शॉपिंग करना बस, करते रहे करते रहे। नहीं जी, बात अभी यह है कि हम कहीं बाहर निकलने वाले हैं घूमने के लिए, तो मेरा पावर बैंक जो है खराब हो गया है, तो एक पावर बैंक लेना है और भी कुछ कुछ सामान लेना है हमें, तो वह सामान लेंगे हम। और अमेजोन में अभी चल रहा है रिपब्लिक डे सेल, थोड़ा सा छूट भी मिल जाएगा, उसके बाद शॉपिंग भी करेंगे हम कैश करो ऐप से। एक तो अमेजोन से थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ऊपर से कैश करो ऐप से कुछ कैशबैक मिल जाएगा, तो फायदा ही है जी, अच्छा खासा फायदा है। अगर आपने अभी तक कैश करो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं, अगर उस लिंक से आप डाउनलोड करेंगे तो 25 रुपया आपके अकाउंट में आ भी जाएगा। उसके बाद शॉपिंग करते रहिए जी, एक अलग तरीका है ये शॉपिंग करने का। अब इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।